तो हम शुरू करते हैं सेशन आज फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की। तो मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। फॉर्मेटिंग क्या? तो फॉर्मेटिंग को हम अपनी आम भाषा में लिपापोती कहते हैं, पुचारा करना। मतलब कोई भी रिपोर्ट्स है उसको अट्रैक्टिव बनाना, इसको अंडरस्टेबल बनाना। बोलता है कि सर अट्रैक्टिव तो समझ में आता है, अंडरस्टेबल क्या होता है? मतलब कि अंडरस्टैंड हो ये फॉर्मेटिंग क्या करता है। तो एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 200, राइट? क्वार्टर वन सेल है, यहाँ पे क्वार्टर टू हमने ले लिया। अब इसमें कौन ज्यादा है तो आप देख बता सकते हैं कि 500, ये मेरा बेटा भी देख के बता सकता है कि क्वार्टर वन ही 500 सेल हुआ। लेकिन जब इसी नंबर को मैं कर देता हूं कुछ इस तरह से, अब यहां एक मैथमेटिशियन को भी टाइम लगेगा, समझ गए? लेकिन इसी चीज को समझाने के लिए सिंपल, इसके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन इस्तेमाल कर दें तो साफ पता चल रहा है कि क्वार्टर टू हाईएस्ट है, क्वार्टर थ्री लोएस्ट। अब इसके लिए मैथमेटिशियन होने की जरूरत ही नहीं, ठीक है? तो फॉर्मेटिंग यही चीज को यहां बताती है कि आप अपना जब रिपोर्ट बनाए तो अट्रैक्टिव है। देखिए कभी रिपोर्ट बनाते हैं उसमें लॉट ऑफ फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे इसी रिपोर्ट की हम बात कर लें, एक फॉर्मेट बना है, इसी फॉर्मेट की हम बात कर लें, दिख रहा है आपको? ये माइक्रोसॉफ्ट का टेम्पलेट के थ्रू बना हुआ है। देख सकते हैं कि इसमें फॉर्मूला वगैरह जो लगा होगा वो तो नहीं दिख रहा है ना। दिख क्या रहा है? का स्ट्रक्चर, इसकी डिजाइन दिख रहा है ना। यहाँ पे दिख रहा है एक एक डायरी की तरह बन गया, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे इस तरह से लगा है, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन ये सब चीजों को विजुलाइज किया गया, जैसे डायरी दिखने के लिए इसने इसको इस तरह से यहाँ पे पैलेस किया कि एक डायरी दिख रहा है। अब ये पट्टी देखने के लिए, क्योंकि पट्टी पे तो टाइप होगा नहीं, तो पट्टी दिखाने के लिए इसने कलर कर दिया उस पे, इस तरह का पट्टी एडजस्ट कर दिया जिससे लग रहा है कि एक, समझे? तो एक विजुलाइजेशन यही चीज होती है। आज की टॉपिक में इसी तरह की चीजों पे करेंगे कि हम कैसे विजुलाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट इससे सुपरस्क्रिप्ट से। जैसे कि हमने टेंथ लिखा, टीएच दिया, तो यहां टीएच को हम ऊपर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और ये सुपरस्क्रिप्ट यहां दिख रहा होगा, दिख रहा है सुपरस्क्रिप्ट, इसको ऊपर चला गया। एस इन 10 डिग्री करना हो तो 10 स्मॉल ओ किया और इस पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल, और हमने इसको सुपरस्क्रिप्ट सिलेक्ट करके ओके किया, ये आ गया 10 डिग्री। ऐसी अगर वाटर का H2O है, अगर H2O को 2 नीचे करना है तो नीचे करने के लिए क्या होगा? सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर के लिए और नीचे के लिए सबस्क्रिप्ट, एंड ओके किए, आप देखिए नीचे आ गए। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ कुछ एंगल दिया हुआ है और एंगल एक कॉलर में 10-20 हजार, और मुझे इस पे डिग्री बताना है कि हाँ ये 85 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग दिस हमें क्या करना होगा? इसके अंदर जाना होगा, वो लिखना होगा, और फिर डबल क्लिक करके इस ओ को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल एंड सुपरस्क्रिप्ट करना होगा। अब सर इकट्ठा सेल सिलेक्ट करके इकट्ठा नहीं कर सकते। देखिए जैसे आप एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाके आप सुपरस्क्रिप्ट करेंगे, पूरा का पूरा सेल वैल्यू सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। सो जो सिलेक्टेड करेक्टर है उसको तो डबल क्लिक करके मुझे करेक्टर सिलेक्ट करना होगा। अब ये थोड़ा सा टफ लगा है, क्योंकि 10-20 हजार रो है तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मुझे डिग्री तो विजुलाइज करना है। तो हम डिग्री विजुलाइज करने की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसके बगल में हमने यहाँ पे ओ को लिखा, क्या लिखा? ओ को, और नीचे की तरफ मैंने इसको किया ड्रैग, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसको कर दिया हमने सुपरस्क्रिप्ट, और
इस कॉलन को करेंगे छोटा, इसको भी थोड़ा ऑटो फिट कर देता हूं, और राइट क्लिक किया, जिसको सेलेक्ट करते हैं फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल के अंदर हम जाते हैं बॉर्डर। बॉर्डर में हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया और हमने ए वाला सेलेक्ट कर लिया, इसको नहीं करें, ठीक है, देन ओके। अब इसको और अच्छा दिखाने के लिए इसको हम कर देते हैं कलर व्हाइट, लग रहा है ना सर डिग्री? तो विजुलाइजेशन इसी को कहा जाता है कि आप अपने हिसाब से विजुलाइज करें। अब विजुलाइज की बात करते हैं मर्ज और रैप टेक्स्ट के बारे में। मान लीजिए कि हमने कुछ पैराग्राफ इंटरनेट से लिए हुए, कुछ पैराग्राफ मान लीजिए हमने ए आप ही का नहीं तो जीमेल का एक पैराग्राफ कॉपी करते, चलिए यही सुधार, ठीक है। अब इसी पैराग्राफ को मैंने कॉपी किया और मुझे इसको एक्सेल के सेल में रखना। अब एक सेल में रखूंगा तो सही नहीं दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमने क्या किया, एक एरिया को सिलेक्ट करके कर दिया मर्ज। अब मर्ज पे जाके मैं पेस्ट करता हूं तो पेस्ट नहीं होता है, कैसे होगा पेस्ट? नीचे वाले सिर पे जाके फिर नहीं, इस पे डबल क्लिक करना हो, क्या करना होगा? हाँ, उसके बाद पेस्ट, राइट क्लिक मारे। अब ये एक लाइन में नहीं दिख रहा है, एक सही फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, रैप टेक्स, रैप टेक्स दिख रहा है, रैप टेक्स करेंगे तो टूट के नीचे आ जाएगा, नीचे नीचे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो है ये issue1 #59 है, एक गलत है, ये जो चीजें दी गई है एक गलत है। अब मुझे जो मुझे फाइल भेजा है ना, उसको मुझे बताना है कि गलत है। अब उसको फोन मिलाइएगा, बोलिएगा कि फलाना फलाना गलत है, वो बोले कहाँ है दिखाओ दिखाओ, नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला, बहुत सारी चीज हो सकती है ना सर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसको कलर रेड, फिर राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और हम करेंगे इसको स्ट्राइक थ्रू, क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रू, एंड करेंगे इसको ओके, दिख गया सर। अब बस इसको उठा के दे मारिए, वो आपको बताने की जरूरत भी नहीं होगी, वो देख के समझ जाए कि गलत है, ठीक है। हालांकि यही चीज अगर डेटा पे हुआ थे, क्योंकि डेटा पे जाके अगर हम स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो क्या होगा, बीच बीच काट देगा। अब ये तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, भी नहीं रहा ना। तो कुछ इसको इसको कैसे करें, इसको करने के लिए हमें अब जिस जिस सेल को करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में ही जाइए, बॉर्डर में आइए, कलर सबसे पहले रेड कर लेते हैं बॉर्डर स्टाइल का, और फिर इस वाले बॉर्डर को सॉरी थिकनेस बढ़ा देते हैं, इस वाले बॉर्डर को और इस वाले बॉर्डर को ले लें, यहाँ थिकनेस बढ़ता है, अब दिख रहा है। अब टिक का निशान लगाना है तो क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहां से हम कलर चूज करेंगे, कौन सा, ग्रीन कलर, हरा और थिकनेस और ए वाला ले लेंगे और ए वाला ले लेंगे। बट प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ए सिर्फ विजुलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, विजुलाइज हो रहा है। अच्छा विजुलाइज एक शॉर्टकट भी देख लीजिए, एक F4 शॉर्टकट होता है जो लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, ओके टिक नहीं लगाता है, लास्ट की गई काम को रिपीट कर देता है, ठीक है। सिंपल F4 अब प्रॉब्लम यहां पे होती है कि इसके बिहाफ पे आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, फिल्टर नहीं लगा सकते, किसी ने बोला है गलत डेटा को फिल्टर करके भेजो मुझे, तो नहीं कर सकते। तो जो आपको ऐसा करना हो तो क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉन्ट पे और सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और एक फॉन्ट आता है बाइंडिंग टू, क्या आता है, बाइंडिंग टू, और बाइंडिंग ओके टू में लगा देंगे बाइंडिंग टू। तो इसके बाद हम कैप्स में पी लिखेंगे ना, तो टिक का निशान, कैप्स में पी 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 या पी टी को ओके ओके ओह अच्छा और कैप्स में ओ लिखते हैं तो क्रॉस में आएगा,
ठीक है। अब आपके ऊपर अगर कंडीशन लगानी है तो ओ और पी पे लगा दीजिए, फिल्टर लगाना है तो ओ एन पी पे लग जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में ओ एन पी है, बस टिक और गलत का बीच लाइन है। बट ये जो बाइंडिंग टू आप देख पा रहे हैं, दिस अ पार्ट ऑफ द विंडो, मतलब फॉन्ट जो होता है कि ये आपका एक्सेल का पार्ट नहीं होता, ये विंडो का पार्ट होता है, ठीक है। तो देखना तो होगा कि मेरे पास है या नहीं। नहीं, अगर नहीं हुआ या अनइंस्टॉल हो गया तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक और तरीका है, बट हंसिएगा मत, हम कैप्स में जे को रखेंगे और हमने इसको अलाइनमेंट में गया और -45 डिग्री के ऊपर एंगल में इसको रोटेट कर दिया, बोले तो हंसिएगा मत। ये बेसिकली मैंने 2004 में, मैंने जब मेरी पहली जॉब लगी थी DI सिक्योरिटी ग्रुप में, मुझे क्लाइंट फाइल हैंडलिंग के लिए मिला हुआ था, तो बॉस मीटिंग हुआ था स्टाफ का, तो मैं भी गया था। तो उन्होंने जो मीटिंग के जो ये था, मैंने कि जो एजेंडा था, तो कौन कौन एजेंडे पे डिस्कस हुआ है, सब पे टिक लगा हुआ था। तो बॉस ने बोला कि सबको टाइप करके दो, तो मैं टाइप कर दिया और सामने जो टिक लगा था उसमें यस नो कर दिया। बोला नहीं, बॉस जो था कर्नल था, वो 63 को 63 कहता था, 87 को 67 कहता था, ठीक है ना। तो वो उसने बोला नहीं, ये इस तरह से यस नो नहीं चाहिए, ये टिक और क्रॉस चाहिए। 2003, मैं खुद कंप्यूटर में बिगिनर, क्या अब मैं अपने बेटे की तरह 8 6 7 8 8 साल कंप्यूटर नहीं देखा, मैं तो 12th में जब ग्रेजुएशन जब किया था तब देख रहा था कंप्यूटर, जब कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया था देखा अच्छा ऐसा कंप्यूटर होता है, उससे पहले तो जेम्स बॉन्ड की मूवी देखे था, नहीं तो शक्तिमान में देखा था। तो मैंने क्या किया, दिमाग लगाया, क्योंकि मैं हमेशा बीच का रास्ता देखता हूँ, वहां इंटरनेट इंटरनेट था नहीं, गूगल का उतना चलन था नहीं, क्या करो क्या ना करो। तो हमने दिमाग लगाया कि जे को अगर टेढ़ा कर रहे तो भी तो टिक का निशान बनेगा, और क्रॉस के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों कि क्रॉस के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास एक्स है, ठीक है। हम बात करते हैं कि क्या अलाइनमेंट की यही तरीका है या कोई और तरीका है। तरीका है, जैसे ये देखिए, अब इसका यूज क्यों होगा, तो पहले इसकी अलाइनमेंट हटा देते हैं, फिर बताते हैं कि इसका क्यों ऐसा किया मैंने इसको, ठीक है ना। तो इसकी अलाइनमेंट हटाने के लिए हम जाते हैं यहाँ ओरिएंटेशन में, इसको कर देते हैं 0, हट गया अलाइनमेंट, और फिर डबल क्लिक करके मैं कर देता हूँ ऑटो फिट किसी भी सेल पे। तो ऑटो फिट मतलब कॉलम को जितना बड़ा साइज चाहिए वो ले लें, एडजस्ट हो जाए। अब प्रॉब्लम है, इसको पेज पे, एक पेज पे प्रिंट करो। मैंने क्या किया, यहां से मैंने लैंडस्केप ले लिया, ओरिएंटेशन लैंडस्केप ले लिया, मैंने इसकी मार्जिन पेपर साइज भी A4 ले लिया, मैंने इसकी मार्जिन नैरो कर दिया, फिर भी नहीं हुआ एक पेज पे, तो मैं स्केलिंग में जाके फिट टू वन पेज कर दी, तब हो गया। और इसके लिए तो लेंस लाना, माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा देखने के लिए, क्या इतना छोटा हो गया। तो हम मैंने प्लान चेंज किया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर नो स्केलिंग पे आ गया। तो फिर आगे क्या किया, हमने देखा डेटा में कि हमारा डेटा जो है वो छोटा है, हेडिंग बड़ा है, और हेडिंग को पूरा दिखाना भी है मुझे। तो मैंने क्या किया, पूरे के पूरे सीरियल नंबर को सिलेक्ट किया और चले गए अलाइनमेंट में, यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर जो आपको दिखा ओरिएंटेशन, यहां से जाके हमने इसको 90 डिग्री अप कर दिया, ठीक है। और फिर पूरी सीट को सिलेक्ट किया और डबल क्लिक किया, अब क्या है कि मैं हेडिंग भी पूरा पढ़ पा रहा हूँ और डेटा भी पूरा पढ़ पा रहा हूँ और एक पेज में प्रिंट भी कर पा रहा हूँ, ओके। हाँ जी, अब हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेट की। अब जो नंबर आप टाइप करते हो उसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यहाँ नंबर फॉर्मेट में आते हैं, तो ये आपका जनरल जैसा टाइप करते हो ऐसा होता है नंबर, नंबर में आप यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस, थाउजेंड सेपरेटर और यहाँ पे नेगेटिव्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप करेंसी में जाते हो तो करेंसी का कोड वगैरह भी या करेंसी का सिंबल वगैरह लगा सकते हैं। अकाउंटिंग में सिर्फ करेंसी का सिंबल आएगा और डेसिमल प्लेसेस आएगा। हाँ, अगर नन कर देते हो तो 0 यहाँ डैश बन जाएगा, दिख रहा है,
ओके, अच्छा ओके। उसके बाद डेट आती है, तो डेट को भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आप जाएंगे डेट, यहाँ पे डेट पे, तो डेट पे आपको इतने सारे डेट फॉर्मेट और अलग अलग कंट्री का डेट फॉर्मेट भी यहाँ दिखेगा। जैसे आपको हिंदी में चाहिए, तो यहाँ देखिए हिंदी दिया गया, अप्राण प्रबान, ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद हम टाइम की बात करें, तो जैसे डेट की सेटिंग थी, ऐसे ही हमारे पास टाइम की सेटिंग है। यहां पे गए और यहां पे टाइम हमने दे दिया। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने एक एक किसी का ओवर टाइम मैंने रखा है, अब गलती से ओवर टाइम हो गया, जनरल फॉर्मेट फॉर्मेट हट गया। फिर मैंने गया और टाइम फॉर्मूला यहां से टाइम फॉर्मेट लगा दी, मान लीजिए टाइम फॉर्मेट लगा दी, नहीं कहेगा दिख रहा है, क्योंकि एक्सेल में 24 आवर इक्वल टू 1 डे होता है, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे कि ऊपर में कि 11 घंटे 40 मिनट और यहां पे 1 दिन आया, समझे। इसलिए जब जनरल फॉर्मेट हम करते हैं तो 1.1 पॉइंट क्या था, 48 था। 1 पॉइंट तो 1 डे और पॉइंट होगा टाइम। मैंने एक्सेल ने क्या किया हुआ है कि इसको इस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है टाइम को, कि 24 घंटे इक्वल टू 1 डे, 1 हो जाता है नंबर। पर इसको टाइम दिखाना है, कैसे दिखाए, तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि सबसे पहले टाइम में जाएं और यहां से सिलेक्ट करें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, और यहां पे आके सेलेक्ट कर लें 37 30 55, 37 30 35। तो यहां हमने क्या किया, 35 30 35 पे कर दिया, तो ये देखिए हमारे पास आ गया। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अब इसमें एक चीज और होता है, जैसे कि मुझे फ्रैक्शंस वगैरह है, जैसे 1 2 1/2 होता है ना सर, तो यहाँ पे 1 स्पेस दे के 1/2 कर दीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, मतलब डेढ़। अगर मैं इसको नॉर्मल नंबर में करूं तो क्या हो जाएगा, डेढ़, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि 2.36 है, अब मुझे इसको करना है 1/4 में, किसमें करना है, तो हम जाएंगे फ्रैक्शन में और यहां हमने कर दिया 1/4, दिख रहा है 1/4 ज्यादा किया, 1/3, तो 2/1/2, इस तरह से फ्रैक्शन चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग की। कस्टम फॉर्मेटिंग में बात करते हैं, जैसे मैं चेक नंबर आपको दिख रहा है ना सर, अब चेक नंबर होते हैं 6 डिजिट का, या इसी में किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 डिजिट है, तो मुझे पूरा 6 डिजिट करना है। तो मैं कस्टम पे गया और यहाँ पे 6 बार 0 कर दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप देखिए जितना 0 कम था उतना 0 आगे लग गया। ओके वेरी गुड। अब इसे यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है मुझे, तो मुझे मान लीजिए इसके आगे एमआरपी लगाना है, तो हम कस्टम में जाएंगे, इन्वर्टर को मामले देंगे एमआरपी और यहाँ देते हैं 0, 0 इतना जरूरी है, अदरवाइज शो नहीं करेगा। नहीं जी, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इसके आगे रुपीज का साइन लगाना है। तो हमने क्या किया, हम गए करेंसी में और यहाँ रुपीज का साइन लिया एंड ओके कर दिया। अब 12 दिन, नहीं, रुपीज का साइन पहले नहीं बाद में होना चाहिए। तो हम सेम करेंसी सिंबल असाइन किए हुए रहेंगे, रखेंगे और कस्टम में चले जाएंगे, तो वहां मुझे इसका कस्टम कोड मिल जाएगा। फिर मैं इस रुपीज साइन को कट करके इसके लास्ट में पेस्ट कर, ठीक है, आ गया। बढ़िया। मुझे मोबाइल नंबर में +91 लगाना है, तो सिलेक्ट करेंगे कस्टम, यहाँ पे +91 और 10 आ गया सर। अब मैं कोई भी नंबर लिखूंगा, +91 ऑटोमेटिक लग जाए। ओके अब मैं मतलब आई प्लस नंबर 9 वन के लिखा, बाद हमने गैप देने के लिए 0 लिखा है सर। नहीं गैप नंबर शो करने के लिए, गैप देने के लिए स्पेस यूज किया था मैंने। ठीक है सर। अब जैसे आईडी है, हर 3 डिजिट के बाद मैं चाहता हूँ डैश लग जाए, तो कस्टम में जाऊंगा और यहाँ पे 000 डैश 000 डैश 000 3 बार कर दिया, कहीं ना। अब मैं अकाउंट नंबर लिख रहा हूं तो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना।
मैं चाहता हूँ नंबर दिख जाए, 11 नंबर तो नंबर दिखेगा, 11 के बाद जो नंबर लिखेगा ना साइंटिफिक होम में चला जाता है 11 डिजिट के बाद, तो वो कुछ नहीं करना है, कस्टम पे जाके एक जीरो कर दीजिए आपको शो हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सेल में नंबर सिर्फ 15 डिजिट तक ही शो करता है, 15 डिजिट के बाद जो भी नंबर डालेंगे जीरो बन जाएगा। जैसे देखिए 8 तक 15 डिजिट है और मैं यहाँ पे 856 करता हूँ, तो आप देखेंगे 856 जीरो बन जाएगा, क्योंकि एक्सेल में किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बट आपकी रिक्वायरमेंट है 20-25 डिजिट डालना, तो क्या करेंगे सिंगल कोट लगाइए और 32,767 करेक्टर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज और सर, माने कभी कभी हम लोग डेटाबेस बनाते हैं उसमें एक पर्सन का दो नंबर होते, तो हम लोग क्या करते हैं फॉर्मल लगा लिख देते हैं ना, जैसे मेरे दो नंबर है 8826828090, क्या लग रहा है नंबर लेगा नहीं लेगा, ये 15 के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा और मेरा नंबर जो टाइप किया वो गया, ये पहला नंबर दिखेगा और दूसरा नंबर का सिर्फ 5 डिजिट दिखेगा, बाकी डिजिट जीरो हो गया। तो ऐसे केसेस में आप सिंगल कोट लगा के नंबर लिखे, या फिर सिंगल कोट लगा के नहीं लिखते हैं तो क्या करें इसमें स्पेस कॉमा फिर स्पेस दे, समझ गए, स्पेस देते हैं तो टेक्स्ट समझ गए। बाकी टेक्स्ट कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये जो आपको दिख रहा है लिंक इसको आप स्टडी कर लीजिए, इस पे कस्टम फॉर्मेटिंग के कुछ आर्टिकल्स है, कुछ चीजें हैं, इसको स्टडी कर लें, फिर हम अगली क्लास